What does the graph say? Good morning friends, welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 12 जनवरी 2021 ट्यूसडे है, सुबह के 8:46 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। हफ्ते के पहले ही दिन हमने देखा निफ्टी ने 14,500 ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई लेवल अचीव किए। पॉजिटिव खबर रहती कि वैक्सीनेशन इंडिया में 16 जनवरी से स्टार्ट हो सकता है। काफ़ी गैप अप ओपन हुआ। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर आज क्या निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा 14,367 का लेवल बन रहा था ब्रेकआउट लेवल, और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,310। तो जैसे कि आप देख पा रहे गैप अप ओपन हुआ, काफ़ी ऊपर ओपन हुआ, सेकेंड टारगेट के भी ऊपर ओपन हुआ। तो जो हमारा प्लान बन रहा था प्री मार्केट प्लान मार्केट ओपन होने से पहले, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। ऊपरी लेवल पे ही साइडवेज पैटर्न में पूरा दिन भर ये ट्रेंड करता हुआ नजर आया। तो ये था कल के एनालिसिस का एक रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। सबसे पहले कल अमेरिकी बाजार में गिरावट देखने को मिली, 165 पॉइंट की गिरावट के साथ नास्डैक कल बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो वहाँ पर साफ तौर पर कमजोरी नजर आई। यूके में लॉकडाउन जारी है, वहाँ पर फरवरी मिड तक ये लॉकडाउन चलेगा। एशियन मार्केट्स देखें तो एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी कमजोरी दिखा रहा है, और आज जब जापानीज इंडेक्स ओपन हो चुका है तो 47 पॉइंट की हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर का अगर डेली चार्ट हम देखें तो यहाँ पर दो दिन पहले इसने कुछ बोरिंग कैंडल बनाया था, एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बनाया था, लेकिन इसका लो जो है, इस कैंडल का जो लो है, ये अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया, तो ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ। इसने भी डाउ फ्यूचर में भी ऑल टाइम हाईज लगे हैं, तो ऊपरी लेवल पे हो सकता है साइडवेज पैटर्न क्रिएट हो, और जब उसका अपर बैंड या फिर लोअर बैंड ब्रेक करे तो हमें आने वाले ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन मिल सकता है। तो फिलहाल ये थे ग्लोबल मार्केट के हालात। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। डेली चार्ट में अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर ये स्विंग हाई लो को पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू आने वाले लेवल्स को हमने प्रोजेक्ट किया था। तो एक एक धीरे धीरे 76.4% का लेवल, उसके बाद 100% हुआ, अभी उसके बाद 123.6% का लेवल लास्ट वीक अचीव हुआ, और कल 138.2% का लेवल जो कि 14,500 के आसपास आ रहा था ऑलमोस्ट कल अचीव हुआ, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट उसी के पास क्लोज हुआ है। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल ये साबित हो रहे हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी ये अनचार्टेड टेरिटरी में है, जैसे जैसे एक एक रेजिस्टेंस लेवल को ये पार करेगा, आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है, तो ही हमें ऊपरी लेवल्स 14,605 के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। अदरवाइज अभी यहाँ पर ये जो लेवल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वो सपोर्ट के लेवल्स बन जाएंगे। तो ये डेली चार्ट का सीनारियो है, और अगर कैंडलस्टिक का पैटर्न देखें तो फिर से एक बार हैंगिंग मैन कैंडल बनाए। पास्ट में भी देखा हमने ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बनाए, यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बनाए। ये ट्रेंड रिवर्सल के पैटर्न होते हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ सिग्नल आ रहा है। जब भी टॉप साइड में ऐसा पैटर्न बनता है तब ये ट्रेंड रिवर्सल का चांस होता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए ये जो हैंगिंग मैन बनता है इसका लो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। पास्ट में दो बार हमने देखा अभी कुछ दिनों पहले, लेकिन जितना बुलिश जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है उसके मद्देनजर ये कम्प्लीटली हाई को आराम से ब्रेक कर रहा है और ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास है, तो रेजिस्टेंस का लेवल जब तक ब्रेक ना हो तब तक लॉन्ग पोजीशन बनाना रिस्की साबित हो सकता है। तो अगर इसका लो ब्रेक ब्रेक होता है कम्फर्टेबली तो हमें यहाँ से करेक्शन आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है। चलते हैं आर्ली चार्ट में, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर देखें तो कल एक ऊपरी लेवल पे साइडवेज पैटर्न बनाया था, तो इसका अपर बैंड ऑलमोस्ट कल का जो हाई बन रहा है ऑलमोस्ट 14,500 को अगर ये ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। एक छोटा सा क्विकली टारगेट होगा 14,513, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 14,527 के पास है। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो इसे कम्प्लीटली ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास, यानी 14,451 को अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,432, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 14,412 के आसपास है, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।